बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन एफ एस एस सी ट्वेंटी टू थाउजेंड और उस सीरीज़ के अंतर्गत आई एस ओ ट्वेंटी टू थाउजेंड टू थाउजेंड एटीन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ट्वेंटी टू थाउजेंड टू और एफ एस एस सी का वर्ज़न फोर का पार्ट टू की रिक्वायरमेंट आती हैं तो इनमें बारी बारी से वीडियो बनेगा तो आज की सीरीज़ में कुछ ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन है जी एफ एस आई स्कीम के बारे में आई एस ओ ट्वेंटी टू थाउजेंड के बारे में और इसमें आने वाले चेंजेस के बारे में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव क्या है बेसिकली ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव जो है वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड में एक समान करने का इनिशिएटिव है और उसका विजन है कि सेफ फूड फॉर कंज्यूमर एवरीवेयर फूड इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर हैं जो कि इस इनिशिएटिव में उन्होंने पार्ट प्ले किया और बहुत अच्छे तरीके से ये स्कीम लॉन्च हुई और बेसिकली ये पावर्ड की जाती है ग्लोबली कंज्यूमर गुड्स फोरम के सी के द्वारा ग्लोबल इंडस्ट्री के नेटवर्क को आगे सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी बड़े बिजनेस लीडर इसमें आगे लगे हुए हैं क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इनिशिएटिव के माध्यम से एफएसएससी के माध्यम से तो इसलिए इसमें इन लोगों की इनडेफ वर्किंग काफी महत्वपूर्ण हो जाती है जी एफ स्कीम के बारे में थोड़ा समझते हैं ए फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इज रिकॉग्नाइज्ड बाई जी एफ एस आई इट मीट्स इंटरनेशनली रिकोगनाइज फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स डेवलप्ड बाई मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप्स इट मीन्स कि ग्लोबल फूड सेफ्टी की जो स्कीम है वो इंटरनेशनली रिकोगनाइज है और उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं जो वर्ल्ड वाइड इसको कवर करती हैं सबसे पहला अगर देखें इस इनिशिएटिव का पहला पार्ट इंटरनेशनल फीचर्स स्टैंडर्ड्स हैं फिर ग्लोबल रेडमीड स्टैंडर्ड्स इसमें आते हैं उसके बाद बी जी जी एस, फिर ग्लोबल गैप फिर उसकी इस उस स्कीम में ग्लोबल एक्वाकल्चर अलाइंस आता है कनाडा गैप और उसके बाद आता है एफ एस एस सी ट्वेंटी टू थाउजेंड जिसमें आज चर्चा होने वाली है उसके बाद एशिया गैप और उसके बाद जापान का फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जे और प्राइमस जे और उसके बाद एस इंस्टीट्यूट आते हैं अब जानेंगे कि एफ एस एस सी कैसे एकमात्र ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव से अप्रूव्ड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है देखिए ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव इज ए बिजनेस ड्रिवेन इनिशिएटिव फॉर द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहला जो ये लॉन्च हुआ था ये इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ था 2000 में लॉन्च हुआ और फूड सेफ्टी की जब क्राइसिस थी कंज्यूमर बहुत ज़्यादा परेशान थे टाइम में डिलीवरी नहीं होती या अगर डिलीवरी है भी तो उसके बाद में फूड पॉइजनिंग और फूड में बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशंस या ऐसी माइक्रोबेल डिसीज़े जिनकी क्योर काफ़ी मुश्किल है वो डिसीज़ ज़्यादा बढ़ने लगी थी बेसिकली एक ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए स्टेक होल्डर्स के बीच में और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया बेसिकली एफ मतलब फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन 22000 ये यह तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है पहला पार्ट आई एस 2018 जो कि आई एस 2005 की सीरीज का अपग्रेडेड वर्जन है उसके बाद बिना टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की गाइडलाइन की कंप्लीट नहीं होता इट मींस की पी की गाइडलाइन डबल टू डबल जीरो टू टू था। थाउजेंड नाइन इसके अलग अलग कैटेगरीज हैं टू थाउजेंड नाइन इसका पार्ट वन का पार्ट है और उसके बाद फिर एफ पार्ट टू की रिक्वायरमेंट एफ एस क्यों जरूरी हुआ और कैसे इसकी पूरी जर्नी रही सेटअप होने के लिए ये थोड़ा सा जान लेते हैं 1938 थर्टी एट द यू एस एफ डी ए अप्लाइज जी एम पी एज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये एक्ट था 1938 सौ अड़तीस नाइनटीन थर्टी एट उसके बाद नाइनटीन सिक्सटी में हैसअप क्रिएट हुआ एच ई सी सी पी एज ए पार्ट ऑफ नासा प्रोग्राम एरोनाटिक्स के लिए फूड बनाने के लिए उसके बाद टू थाउजेंड जी एफ एस आई फाउंडेशन की गठन हुआ वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जी एफ एस आई ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव का पहला पार्ट था कि इसकी फाउंडेशन बने इज टू कंपेयर फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन सिस्टम विद द एम ऑफ द अचीविंग कन्वर्जेंस बिटवीन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कन्वर्जेंस मीन्स कि पहले जो भी स्टैंडर्ड्स बने हैं उनमें एक समानता नहीं है और या अगर वो स्टैंडर्ड्स हैं तो केवल चेकलिस्ट बेस हैं जैसे कि बी या उसके बाद एच ए एल ए एल हलाल इस, इस स्कीम के माध्यम से एक टर्मिनोलॉजी बेस हो गई जो कि कुछ गाइडलाइन के साथ होती थी 2004 में फाउंडेशन ऑफ द फाउंडेशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ फूड सेफ्टी ओनर्स ऑफ डच हैसअप 2005, 2005 में आई एस ओ बाईस इशू हुआ लेकिन वो अप्रूव्ड नहीं था जी की स्कीम के द्वारा टू लैक ऑफ डिटेल्ड पीआरपी एंड लीगल ओनरशिप ऑफ द सर्टिफिकेशन स्कीम टू थाउजेंड सेवन में एक्सेप्टिंग एनी ऑफ दी एफ एस आई स्कीम टू थाउजेंड एट में पब्लिकली अवेलेबल स्पेसिफिकेशन टू हंड्रेड ट्वेंटी टू थाउजेंड एट रिलीज हुआ टू प्रोवाइड सफिशियंट पी आर पी फॉर आई एसओ बा 2009 में एफ एस एस सी इशूड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आई एस ओ एंड पब्लिकली अवेलेबल स्पेसिफिकेशन 220 2008 और यह कंटेंट एफ एस एस सी से अप्रूव्ड हुआ जो कि जी एफ से रिकॉगनाइज था फिर 2010 में एफ एस एस सी ट्वेंटी टू थाउजेंड बाई जी एफ एस आई

2015 में एफ एस एस सी ट्वेंटी टू थाउजेंड एड द न्यू मॉड्यूल फूड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू थाउजेंड फिफ्टीन एफ एस एस सी ट्वेंटी टू थाउजेंड रीच द माइल स्टोन ऑफ वन थाउजेंड सर्टिफिकेशन इजूड वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड में वर्जन फोर पॉइंट वन जुलाई टू थाउजेंड में आया और उसके बाद टू थाउजेंड एटीन आई एस ओ ट्वेंटी टू थाउजेंड एटीन एक जी की स्टैंडर्ड स्कीम के द्वारा लॉन्च हो गया अब बात आती है कि अगर ये सर्टिफिकेशन होगा तो ये किस बॉडी से एक्रेडिएशन इसको मिलेगा तो सबसे पहला तो कोई भी एक्रेडिएशन बॉडी होगी वो आईएफ मतलब इंटरनेशनल एक्रेडिएशन फोरम में रजिस्टर्ड मेंबर होनी चाहिए अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग एक्रेडियशन बॉडीज मेंबर हैं जैसे कि अमेरिकन एसोसिएशन फॉर लेबोरेटरी एक्रेडियशन इस तरह से बहुत सारी ये सर्टिफिकेशन जो बॉडी जो एक्रेडेशन बॉडीज हैं वो रजिस्टर्ड हैं एज ए मेंबर और भारत की एन नेशनल एक्रेडेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन और नेशनल एक्रेडेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो कि उसका उसने अभी अप्लाई किया है और अभी ये प्रोसेस में है ये आपके सामने स्क्रीन पे है आईएएफ मेंबरशिप सामने स्क्रीन है ये आप देख सकते हैं जी की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो ड्यूरिंग द नाइनटीन्स देयर हैड बीन ए सीरीज ऑफ हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल फूड सेफ्टी क्राइसिस इंक्लूडिंग बी एस सी एंड लिस्टीरिया विद इन द फूड इंडस्ट्री देयर वाज ए ग्रोइंग एज रिटेलर एंड ब्रांड मैनुफैक्चर ऑडिटेड फैक्ट्रीज अगेंस्ट देयर काउंटलेस इन हाउस स्टैंडर्ड Each development in isolation and with no consideration of convenience. The result shows no consistency. Consumer and food industry confidence was low. The CEO of the World's Food Retailer, working through their independent network CIES, the Food Business Forum, now the Consumer Goods Forum, agreed to take collaborative action in May 2000. The Global Food Safety Initiative, a non profit foundation, was founded. बेसिकली 1990 के दशक के आसपास जब इस तरह की डिसीजेज़ ज़्यादा थी लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन डाइक्सिन और बी तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में लो कॉन्फिडेंस की वजह से कोई भी फूड पे ट्रस्ट नहीं करता था और उसके बाद से वर्ल्ड के बड़े बड़े फ़ूड रिटेलर्स आगे आए और आगे आने के बाद में एक एक सेटअप बना जो कि ग्लोबल फ़ूड सेफ्टी इनिशिएटिव आगे चल के नाम हुआ उसका और एक नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन की गठन हो गया प्रपोजल क्या था स्टार्टअप एफ के लिए इसका मेन गोल वाज लेड डाउन आउट एट द वेरी बिगनिंग एंड रिमेन्स ए कंपेलिंग मैसेज वन सर्टिफाइड रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर जीएफएसआई एफ एस आई चूज द बेंच मार्किंग अप्रोच एज देअ एग्जिस्टिंग फाउंडेशन द बी आर सी हैड ऑलरेडी पब्लिश देअर फर्स्ट बी आर सी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड इन एट The German and French retailers were starting to work together on the international food industry standard IFS. So a trade association for the North American retailer were developed their safe quality food, that is SQF, or the benchmarking model would credibly determine equally between food safety certification program whilst leaving flexibility and choice in the marketplace. आज की डेट में जी एफ कैसा काम करता है जी एफ एस आई हैज बिकम मोर देन ए बेंच मार्किंग ऑर्गेनाइजेशन इट्स कोलोबरेटिव अप्रोच ब्रिंग्स टूगेदर इंटरनेशनल फूड सेफ्टी एक्सपर्ट्स फ्रॉम द एंटायर सप्लाई चेन एट टेक्निकल वर्किंग ग्रुप एंड स्टेक होल्डर्स मीटिंग कॉन्फ्रेंसिंग एंड रीजनल इवेंट्स strategic direction for gfsi is provided by an uh, industry-driven gfsi board of directors from retailer manufacturer and food service operators the daily management of gfsi is undertaken by the consumer goods forum now total number of 80 accreditation body are a member of the ief now we will learn about the some crucial changes in iso 22000-2018 सबसे पहले समझते हैं कि सेकेंड एडिशन जो आया है 2018 जून में पहला स्टैंडर्ड जिसका नाम आई 22000-2005 था जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पहले इसमें आठ क्लॉज हुआ करते थे और अब जो कि चेंज हो के दस क्लॉज होंगे टोटल और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी एच एल एस मतलब हाई लेवल स्टैंडर्ड होगा हाई लेवल स्टैंडर्ड मीन्स आई एस ओ ने डिसाइड किया दो हज़ार बारह में कि मैनेजमेंट सिस्टम जो वर्क करते हैं यूनिफॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में उन सभी का स्ट्रक्चर सेम होगा मतलब अगर आप आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड लें आई एस ओ फिफ्टीन फोर्टी फाइव थाउजेंड लें या सेवनटीन थाउजेंड तो सभी का एक कॉमन स्ट्रक्चर होगा और मेथडोलॉजी के हिसाब से वो चेंज होगा लेकिन स्ट्रक्चर उनका डिफाइंड होगा

परफॉर्मेंस एवेल्यूशन और इम्प्रूवमेंट ये बेसिकली काम करेगा प्लान डू चेक और एक्ट पे मतलब प्लानिंग और रियलाइजेशन अगर होगा तो प्रोसेस वर्किंग प्रोसेस जो होगा वो एक फ्लो में होगा और सिस्टम इजी टू वर्क हो जाएगा तो प्लानिंग में अगर हम आई एस ओ ट्वेंटी टू थाउजेंड की मेथडोलॉजी को लें तो प्लान फेज में बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा लीडरशिप और प्लानिंग सपोर्ट में कंट्रोल एक्सटर्नली जो प्रोवाइडेड प्रोसेस हैं वो और प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर ऑपरेशन की बात करें तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से वो डू फेज में आएगा और चेक में फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का परफॉर्मेंस आएगा बात आती है अगर एक्ट की तो एक्ट में इम्प्रूवमेंट इस पूरे स्टेप को अब बारी बारी से कैसे समझेंगे जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में पीआरपी डेवलप है या पीआरपी आर एस्टेब्लिश करनी है तो वहीं पर हमको ट्रेसिबिलिटी सिस्टम एमरजेंसी प्रिपेयरनेस और उसकी रिस्पेंस की प्लानिंग रिस्पॉन्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी फिर डू फेज में भी आएगा हजार का एनालिसिस करना वैलिडेशन करना कंट्रोल मेजर्स का एच या ओ प्लान को प्लान करना उसके बाद वेरिफिकेशन की प्लानिंग करना फिर अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान कंट्रोल ऑफ द मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस नॉन कन्फर्मिटीज और उसके बाद चेक वाले सीरीज में आएगा वेरिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज फिर एनालिसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन एक्टिविटीज और उसके बाद फिर एक्टिंग फेज में अपडेशन ऑफ प्रिलिमरी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन टर्मिनोलॉजी में कुछ चेंज हुए हैं जो कि इसकी डेफिनेशन पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कंट्रोल मेजर अगर एक नाउन को डिनोट करें तो कंट्रोल मेजर क्या था और क्या है बेसिकली एक्शन और एक्टिविटी दैट कैन बी यूज टू प्रिवेंट और एलिमिनेट ए फूड सेफ्टी हज़ार्ड और रिड्यूज इट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल ये इसकी डेफिनेशन 2005 में थी मतलब कोई भी एक्शन या एक्टिविटी जो कि प्रिवेंट कर सके एलिमिनेट कर सके फूड सेफ्टी हज़ार्ड को या उसके ऑप्टिमम लेवल तक रिड्यूस कर सके लेकिन अब क्या है एक्शन और एक्टिविटी दैट इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट मतलब जो कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फूड सेफ्टी हजार्ड को रिड्यूस करने के लिए या उसको एलिमिनेट करने के लिए इतना इसमें चेंज हुआ है दूसरा पहले फूड सेफ्टी डिनोट किया जाता था और अब सिग्निफिकेंट फूड सेफ्टी हजार चर्चा में रहेगा बेसिकली बायोलॉजिकल केमिकल और फिजिकल एजेंट जो थे फूड में उनको पोटेंशियल हजार टू कॉज एन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट इस सीरीज को फूड सेफ्टी हजार बोलते थे अब फूड सेफ्टी हजार आइडेंटिफाइड थ्रो द हज़ार असेसमेंट मीन्स कि जब आप हजार असेसमेंट करते हैं किसी भी प्रोसेस का किसी भी प्रोडक्ट के लिए अपनी प्रोसेसिंग लाइन में तो जो भी हजार असेसमेंट के दौरान उनकी कैटेगरी बनती नंबरिंग आती उसके बाद में उसको आप कंट्रोल मेजर से आइडेंटिफाइड करके कंट्रोल करते हैं तो अब उसको सिग्निफिकेंट फूड सेफ्टी हजार नाम से जाना जाएगा सी सी पीज पहले क्या था स्टेप एट विच कंट्रोल कैन बी अप्लाइड एंड इज एसेंशियल टू प्रिवेंट और एलिमिनेट ए फूड सेफ्टी हजार और रिड्यूस इट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल और अब क्या है 2018 में स्टेप इन द प्रोसेस एट विच कंट्रोल मेजर आर अप्लाइड टू प्रिवेंट और रिड्यूस ए सिग्निफिकेंट फूड सेफ्टी हजार इट मीन्स कंट्रोल मेजर और अप्लाइड है एंड मेजरमेंट एनेबल द एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन उसके लिए आपको मेजरमेंट भी लेना पड़ेगा किस सैंपल को आपने चेक किया कितना चेक किया और उसमें उसकी क्वांटिटी कितनी सीसीपी से आइडेंटिफाइड निकली है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए उसके बाद ओ पी आर पी टू थाउजेंड फाइव में जो थी पी आर पी आइडेंटिफाइड बाई द हज़ार एनालिसिस एज एसेंशियल इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फूड सेफ्टी हजार टू एंड और द कंटामिनेशन और प्रोलीफरेशन ऑफ फूड सेफ्टी हज़ आर इन द प्रोडक्ट और इन द प्रोसेसिंग एनवाइ अब ओ पी आर पी में काफी चेंज है वो चेंज क्या है कंट्रोल मेजर और कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल मेजरस आर अप्लाइड टू प्रिवेंट और रिड्यूस इज सिग्निफिकेंट फूड सेफ्टी हज आर टू एन एक्सेप्टेबल लेवल एंड वेयर एक्शन क्राइटेरियन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑब्जरवेशन एनेबल इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इट मीन्स कि अब आपको एक्शन लेने से पहले उसके लिए स्पेसिफिकेशन डिफाइन करने पड़ेंगे कि आपने ओ की मॉनिटरिंग की लेकिन एक्शन क्राइटेरिया आपका क्या होगा इट मीन्स कि अब आप लिमिट भी डिफाइन करेंगे एक्शन क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा समझते हैं मिजरेबल और ऑब्जर्वेबल स्पेसिफिकेशन फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ एन ओ पी आर पी इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसमें एंड एक्शन क्राइटेरियन इज एस्टेब्लिस्ड टू डिटरमाइन वेदर एंड ओपीआरपी रिमेन्स इन कंट्रोल एंड डिस्टिंगस बिटवीन वाट इज एक्सेप्टेबल क्राइटेरियन मेट और अचीव्ड एंड एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल क्राइटेरियन नॉट मेट नॉर अचीव मीन्स द ओ पी आर पी इज नॉट ऑपरेटिंग एज इंटेंटेड मतलब अगर आपने एक्शन क्राइटेरियन डिफाइंड किया है तो ओ पी आर पी जो आपका फंक्शनिंग है वो आपका कंट्रोल में है और अगर अगर आपने एक्शन क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया है इट मीन्स कि आपका ओ फंक्शन नहीं है या ऑपरेशन में उसको नहीं लिया जा सकता इसी तरह से सी और ओ में थोड़ा डिफरेंस है थोड़ा समझते हैं सी क्या है कोई भी स्टेप है प्रोसेस का क्रिटिकल लिमिट्स उसमें है मेजरमेंट है और एनेबल्ड है वो करेक्शंस के साथ में ओ क्या है कंट्रोल मेजर और कॉम्बिनेशन है एक्शन क्राइटेरिया है उसमें मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन है जो कि सीसीपी से मैच कर रहा है और एनेबल कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस पी को 8.2 पॉइंट में रखा गया है सेलेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशिंग पी आर पी ऑर्गेनाइजेशन शेल इंश्योर एप्लीकेबल स्टेट्यूटरी रेगुलेटरी एंड म्यूचुअली एग्रीड कस्टमर रिक्वायरमेंट आर आइडेंटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसिडर द एप्लीकेबल पार्ट ऑफ द आई एसओ टी एस डबल टू डबल जीरो की ये आई 22000 2018 टू थाउजेंड टू थाउजेंड एटीन के साथ में काफी इंपॉर्टेंट एडिशन है कि अब आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो कि PRP का मॉड्यूल है उस सीरीज को आपको इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा एस्टेब्लिश कराना पड़ेगा मतलब कि पी आर अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डबल टू डबल जीरो टू के आधार पर निर्धारित की जाएंगी पी आर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की छह कैटेगरीज आइडेंटिफाइड हैं बेसिकली सात कैटेगरीज हैं लेकिन सातवीं कैटेगरी में पब्लिकली जो आ, स्पेसिफिकेशन है उस सीरीज़ को लिया गया है पहली कैटेगरी में फूड मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी कैटरिंग के, के लिए है सेकंड नंबर पे फार्मिंग के लिए नंबर तीन पे फूड पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन और फीड के लिए इसको अगर आई डबल टू डबल जीरो थ्री के आधार पे समझें तो आई डबल टू डबल ज़ीरो टू पार्ट वन फूड मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कि कैटेगरी सी और के आती है और डबल टू डबल जीरो पार्ट थ्री में फार्मिंग जो कि ए कैटेगरी के लिए है फिर फूड पैकेजिंग आई कैटेगरी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड एंड फीड फॉर एनिमल्स जो कि डी कैटेगरी में है कैटरिंग के लिए ई स्टोरेज जी और रिटेल को एफ में लिया गया है तो धन्यवाद मित्रों बहुत बहुत आपका आभार रहेगा ये चैनल काफ़ी दिनों बाद हमने इसमें वीडियो डाला है और एफ की सीरीज़ अब आगे इसी तरह से बढ़ती रहेगी अपने डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में धन्यवाद जय हिंद जय भारत